देख रहा था कि कश्मीर के लोग, जम्मू के लोग, ये मेरी बहनें, माताएं, ये बच्चे, ये युवा साथी, ये बुजुर्ग, आप इतने खूबसूरत लोग, ये कहां भाजपा के चक्कर में पड़ गए? आपके चेहरे का नूर देखिए भाई, दुनिया के किसी भी पहाड़ में जो जनता बसती है उससे ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं होता। और मैं केवल चेहरे की नहीं, मैं दिल की खूबसूरती की बात करता हूं। तो पहाड़ में रहते हैं, फ्रेश हवा उनके फेफड़ों में जाती है, जिंदा दिल लोग रहते हैं, मेहनत की खाते हैं, परिश्रम करते हैं, दिक्कतें झेलते हैं, तभी तो खूबसूरत बनते हैं। ऐसे खूबसूरत लोग जिनके चेहरे पे उतना नूर है, वो आरएसएस के चक्कर में पड़ेंगे, वो भाजपा के चक्कर में पड़ेंगे। जो हिंसा और नफरत की बात करने वाले मोदी और अमित शाह है, उसको वोट देंगे? ये तो पहाड़ों की तहजीब नहीं हो सकती। सही कराओ कि गलत? और आरएसएस को, भाजपा को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को केवल एक बात कहना चाहता हूं, आप कितने भी ताकतवर हो, कितने भी सत्ता आपके पास है, कितना भी डंडा लगा दो, कश्मीर को, जम्मू को सत्ता के जोर पर नहीं, राहुल गांधी की तरह मोहब्बत की दुकान खोलकर ही, गले लगाकर ही, इश्क का, प्यार का, मोहब्बत का, अमन का पैगाम देकर ही जीता जा सकता है, सत्ता के जोर पर नहीं। आपने सत्ता का डंडा चलाया और राजा की तरह, नवाब की तरह एलजी को बिठा दिया। अरे राजा तो हरि सिंह जी थे, जिनके दिल के दरवाजे, जिनके वक्त पे मंदिरों के दरवाजे, उनके दिल के दरवाजे, स्कूलों के दरवाजे उन जमाने में दलितों के लिए खुले हुए थे, वो राजा थे। और एक एलजी है जो जनता का पैसा अपने बेटे की सगाई में खर्च कर देता है, और एक राजा हरि सिंह जी थे जो जनता का पैसा जनता की चिकित्सा में, उनकी शिक्षा में, उनकी तरक्की में लगा देते। ये है कश्मीरियत, ये है जम्मू की तहजीब, ये है वे जम्मू और कश्मीर की परंपरा जिसको हम गुजरात में भी याद करते हैं। और आपने ये दो निकम में गुजरातियों का सर पे बिठा लिया, हम उनसे थक गए थे, आपने सर पे बिठा लिया। हम तो बहकावे में आ गए, पहाड़ के लोग भी बहकावे में आ गए, फिर क्या होगा? वही हुआ जिसकी दहशत थी, जो आतंक कश्मीर में हुआ करता था, आज वो जम्मू में फैला। आप अपना ये हाथ अपने दिल पर रखकर अपने आप को पूछिए, क्या सिर्फ ठीक 10 साल पहले आपने सुना था कभी कि जम्मू में आतंकवाद हो, जम्मू में ड्रग्स का काला कारोबार हो, ये कभी सुना था? ये मोदी और अमित शाह की राजनीति की देन है। ये बात क्या कर रहे थे? आपको आत्मसम्मान देंगे। अरे हमारा आत्मसम्मान तो छीन लिया, डंडा चलाकर एलजी को बिठाकर हमारा स्टेट हुड आपने ले लिया। यदि कहीं यूनियन टेरिटरी है तो लोकतंत्र की जिम्मेवारी है कि जनता की बात सुनकर, आवाम को सुनकर, उस यूनियन टेरिटरी के बजाय वहां स्टेट हुड लागू किया जाए। ये तो उल्टा कर दिया, और नतीजा ये आया कि आपकी प्रॉपर्टी का टैक्स बढ़ गया, पानी में टैक्स बढ़ गया, लूट मची हुई है, जमीन आपकी, खनिज आपके, संसाधन आपके, माइनिंग आपकी, लेकिन आप लोग तय नहीं कर रहे हो कि वो कहां जाएगा। तय कर रहा है मोदी और अमित शाह और बड़े बड़े पूंजीपति और उद्योगपति। ये कैसे चलेगा? ये जम्मू कश्मीर की धरती जम्मू कश्मीर की आवाम की है। इस जमीन के नीचे जो भी खनिज है, मिनरल्स है, उसके ऊपर पहला अधिकार किसी कंपनी का नहीं, जम्मू कश्मीर की जनता का है। जम्मू कश्मीर के लोग
आप तमाम लोग मिलकर तय करेंगे कि इस जमीनों का क्या होगा, जमीन के नीचे जो संसाधन मिलेंगे उसका क्या होगा, बजट कहां जाएगा। इतना बड़ा इलाका एक डिस्पेंसरी नहीं है। बड़ी बड़ी डिंगे मोदी मारते हैं, अमित शाह मारते हैं, एक डिस्पेंसरी तो खोल के दिखाओ, उतनी औकात नहीं तो क्यों वोट मांगने आ रहे हो। ये हमारी बहनें माताएं बुजुर्ग क्या मांग रहे हैं भाई, पूरे इलाके के अंदर एक अच्छा स्टाफ दो ताकि हमारा छोटा मोटा काम हो उसके पास अपना ज्ञापन लेकर जाए, अपनी एप्लीकेशन लेकर जाए, अपनी बात रखे। रखे कहां बात, अब तो सुनने को तैयार नहीं हो। और युवा क्या मांग रहे हैं, एक ही चीज कि रोजगार दो। तो आप क्या दे रहे हो, एक ही चीज ड्रग्स। मैं रास्ते में साथी आकाश से बात कर रहा था कि यदि कोई बीड़ी पी रहा है, तंबाकू खा रहा है, शराब पी रहा है, ठीक नहीं है, लेकिन यदि कोई ड्रग्स को एक हफ्ता भी खा लेना, एक हफ्ता, तो कभी कभी इतने खतरनाक ड्रग्स रहते हैं कि यदि कोई 7 दिन वो ड्रग्स का सेवन कर लेना, 8वें दिन यदि उसको वो ड्रग्स नहीं मिला, अपनी माँ के गले का चैन तोड़ के चला जाता है ड्रग्स खरीदने के लिए। ये हालत बना के रखती है। हमको तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, सब आंखों के सामने। 2021 से अब तक, मैं पिछले 10 साल की भी बात नहीं कर रहा हूं, पिछले 3 साल के दौरान ही हमारे आर्मी के 51 जवानों को बलिदान देना पड़ा, उनकी शहादत हुई। और ये झूठे मोदी और अमित शाह एक नंबर के मक्कार, पूरे हिंदुस्तान में ये कह रहे हैं, पूरे जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को खत्म कर दिया, हद है। तो ये जो 21 हमारे लोग जो शहीद हुए, उनकी शहादत की कोई वैल्यू नहीं है क्या अमित शाह और मोदी की नजरों में? हमारे गुजरात में 25-30 साल तक क्या राजनीति की? काजल जी, सारे साथी सुनिए, जम्मू कश्मीर के कश्मीरी पंडितों की बात कर करके गुजरात के हिंदुओं को टाइट किया, भाई से भाई को लड़ाने के लिए। और मैं जब जम्मू कश्मीर आता हूं तो पता चलता है कि 500 जम्मू के कश्मीर पंडितों को कश्मीर में बसाया नहीं है। कश्मीरी पंडितों को लेकर जो भी काम किया वो कांग्रेस की सरकार ने किया, एनसी ने किया, मनमोहन सिंह जी ने किया। और इसीलिए सबसे पहले मैं युवा साथियों को कहना चाहता हूं कि हम ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, दलित हैं, मुसलमान हैं, अरे सब भूल जाओ, हम पहाड़ी लोग हैं, हम जम्मू के लोग हैं, हम कश्मीर के लोग हैं, हम भारतवासी हैं। इस दुनिया में पैदा हुए इंसान, एक इंसान के तौर में पैदा हुए, एक इंसान के तौर में इस मिट्टी में मिल जाना है। ये क्या जात पात धर्म को क्या झगड़ा है, अरे बकवास, ये सब मोदी अमित शाह को दे दो कचड़ा है। राहुल गांधी, आकाश भाई, एनसी के कलंदरी साहब, ये आपका भाई जिग्नेश, ये काजल, हम लोग आपके बीच में कलम और किताब लेकर आएंगे आपके बच्चों के लिए, भारत का संविधान लेकर आएंगे, बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की किताब लेकर आएंगे। और ये मोदी और अमित शाह, आरएसएस और भाजपा के लोग तलवार और त्रिशूल लेकर आएंगे भाई से भाई को लड़ाने के लिए। तो सारी बातें छोड़कर इस बात का संकल्प करें, आज आपने काजल जी को सुन लिया, हमको सुन लिया, अपना घास काटने का वक्त निकालकर यहाँ सुनने के लिए आए, अपना काम धंधा छोड़कर आए, उसके लिए मैं आपको वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। लेकिन यहाँ बैठकर हमारी तकरीर सुनने से या ताली बजाने से काजल नहीं जीतेगी। काजल जी की तरह आपको भी अगल बगल के पहाड़ियों में जाकर अपने रिश्तेदारों को फोन करके रूबरू मिलकर यदि कोई कंफ्यूजन में है तो उसका कंफ्यूजन दूर करके उससे बात करके समझाना पड़ेगा कि इस इलाके का 90% वोट होना चाहिए और वो तमाम वोट काजल राजपूत के लिए होना चाहिए।